प्रदेश के माननीयों की संपत्ति के हिसाब किताब में आज बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यूपी के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ करोड़पति उम्मीदवार हैं। योगी आदित्यनाथ कमाई कैसे करते हैं, योगी आदित्यनाथ के कितने बैंक खाते हैं, योगी के पास कितने मोबाइल फोन हैं, योगी आदित्यनाथ के पास कितनी गाड़ियां हैं, बंगला और बैंक बैलेंस कितना है, जानिए आज इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर नामांकन किया है। इस रिपोर्ट में हमने सभी डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिया है, जो खुद योगी आदित्यनाथ ने हलफनामा देकर बताया है। साल 2016-17 में योगी आदित्यनाथ की कमाई 8,40,998 रुपए थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी कमाई तेजी से बढ़ी। साल 2020-21 में योगी आदित्यनाथ ने 13,20,653 रुपए की कमाई की। मुख्यमंत्री बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की कमाई में 4,79,655 रुपए की बढ़ोतरी हुई। योगी आदित्यनाथ के 8 बैंक खाते हैं, इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी शामिल है। इन खातों में 1,51,00,000 रुपए जमा है। इसमें किसान विकास पत्र और एफडी भी शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा 67,85,395 रुपए SBI लखनऊ में जमा किए हैं। दिल्ली पोस्ट वाले खाते में 35,24,708 रुपए जमा हैं। योगी आदित्यनाथ के पास संपत्ति के नाम पर सोने की चेन, कान के कुंडल, 2 अस्त्र और 1 मोबाइल है। योगी आदित्यनाथ कान में जो कुंडल पहनते हैं उसका वजन 20 ग्राम है। खरीदने के वक्त उसकी कीमत 49,000 रुपए थी। योगी आदित्यनाथ गले में सोने की चेन पहनते हैं जिसका वजन 10 ग्राम है। खरीदने के वक्त इसकी कीमत 20,000 रुपए थी। योगी आदित्यनाथ के पास एक रिवॉल्वर जिसकी कीमत खरीदने के वक्त 1,00,000 रुपए थी, एक राइफल जिसकी कीमत खरीदने के वक्त 80,000 रुपए थी। योगी आदित्यनाथ के पास मोबाइल है जिसकी कीमत खरीदने के वक्त 12,000 रुपए थी। योगी आदित्यनाथ के नाम पर कोई वाहन नहीं है। नामांकन पत्र में योगी ने किसी भी वाहन का जिक्र नहीं किया है, किसी भी तरह की अचल संपत्ति का भी जिक्र नहीं किया है, यानी कि उनके पास पर कोई भी घर या मकान नहीं है। नामांकन पत्र में योगी आदित्यनाथ खुद को स्नातक दिखाया है। योगी ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से 1992 में BSc किया है। प्राइमरी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहां से हुई, इस बारे में योगी ने कोई जिक्र नहीं किया है। घोषणा पत्र में योगी आदित्यनाथ ने किसी भी तरह के कारोबार का जिक्र नहीं किया है। वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है। जनप्रतिनिधि के तौर पर योगी आदित्यनाथ को जो वेतन, भत्ते और पेंशन मिलती है वही उनकी कमाई है। मुख्यमंत्री योगी पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। नामांकन पत्र में उन्होंने किसी भी तरह के मुकदमे का जिक्र नहीं किया है। मुख्यमंत्री बनने से पहले तक उन पर मुकदमे थे, लेकिन दिसंबर 2017 में योगी सरकार ने 20,000 मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव पास किया, जिसके तहत योगी आदित्यनाथ के भी मुकदमे खत्म कर दिए गए। फिलहाल योगी आदित्यनाथ बेदाग छवि के नेता हैं।